84 करोड़ लोगों को उनमें मुफ्त राशन देने का काम किया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए जोर से ताली बजा के अपन याद करें उस व्यक्ति को जिसने हम तक ये पास पहुंचाने का काम किया है। 12 करोड़ शौचालय हमारे पूरे देश के अंदर और आयुष्मान भारत योजना के अंदर 29 करोड़ परिवार, उन लोगों को फायदा देने का इनने काम किया है। 9 महत्वपूर्ण काम तो मैंने आपको खाली गिनाए हैं, अगर और देखिए तो साथ में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी वजह से हमारी सबकी इज्जत रही, और ऐसे 3 तलाक की समाप्ति करने का काम जो कोई सोच नहीं सकता था होगा वो करा के हमारे मोदी जी ने हम सबको दिखाया। ये चर्चा अब हर घर के अंदर सबको सबको मिल गई है, सब लोग जानते हैं कि मोदी जी के कामों से हर बूथ पर हम लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। हम सब मिले, अपने बूथों पे जाएं और अपने बूथों पे जाके सब लोगों को समझाने की कोशिश करें कि जिस व्यक्ति ने हमको इतना सब कुछ करके दिया है तो क्या एक बटन दबाने का काम हम नहीं कर सकते 2024 में? करते सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, और मेरा यह मानना है कि जिस व्यक्ति ने इतना काम किया उसके लिए हम लोग 2024 में यह काम जरूर करेंगे। परंतु उसके पहले 2023 आएगी, 2023 के अंदर हमारे राज्य का चुनाव है और हमें उनकी याद करने की जरूरत है। जब हम अशोक गहलोत का सोचते हैं, कांग्रेस राज का सोचते हैं, जब वो सब आपके बीच में जाके कहते हैं कि हमने इतने इतने बड़े बड़े काम आपको करके दिखाए, तो आप एक दफा अपने खुद के गरेबान में झांको, अपने भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया है वो भी याद अपनी जनता को दिलाने का आप काम करें। माइनिंग चल रहा था, 550 दिन बैठने के बाद जब किसी ने सुना नहीं तो ऐसे हमारे बिज कौरासी चोस को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति हमारे लिए दी है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगी कि तेजी से हमारा भूजल गिर रहा था, तो याद होगा आप लोगों को कि हमने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का नाम उनको उठाया। अब उस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के नाम को इस अशोक गहलोत ने अच्छी तरह से अंटे में डालने की कोशिश की है, कोशिश की है कि हमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं ना हो और हमें कहने की जरूरत ही ना हो। जब भी आपके बीच में आते हैं तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल याद आ जाती है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि उन्होंने उस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को बढ़ाने के लिए अभी तक क्या किया है? अभी तक वही काम हो रहा है जो हम लोगों ने अपनी सरकार के टाइम में 1600 करोड़ देके कोटा के अंदर नौनेरा बराज के नाम से काम शुरू करके वहां से इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स का काम करने का शुरुआत किया था। क्या किया अभी तक इनने? बात के सिवाय हमको और कुछ देखने को नहीं मिला है। फिर नदवई के अंदर आप देख लो कि नदवई के अंदर क्या क्या काम हुए हैं। 106 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास, महाविद्यालय उज्जैन में, तहसील, ऐसे बड़े बड़े काम आपके हुए हैं। नदवई में काम तो मैं मानती हूं कि सरकार ने भी तो किया है, सरकार ने भी काम किया है। हां, यहां के लोगों को पूरी तरह से आतंकित करके छोड़ा है। बताओ मेरे को, सब यहां लोग चैन की नींद सो रहे हो क्या? चैन की नींद सो रहे हो क्या? हो ही नहीं सकता। सरकार के लोग जो हैं गनमैन, वो बीच में जा जाके लोगों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले दिन दहाड़े, क्या नाम था उनका, सुधा चौधरी का दिन दहाड़े गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई, वो आप सबके सामने है। ट्रांसफर कराने में तो बिना पैसे का कुछ होना नहीं है। नदवई में नौकरी करवानी है तो पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, भुगतान नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ये भी आपको मालूम है। कदम कदम पे भ्रष्टाचार। मेरे को यहां बताओ, कुछ तो किसान यहां बैठे होंगे, कोई किसान मेरे को बता दे कि जमीन के कागजात के लिए वो पटवारियों के पास या अपने दफ्तर में गया होगा तो क्या बिना पैसे के कागज मिले है? कोई नहीं मिले। हाँ, मुझे मालूम है कि हो ही नहीं सकता। और फिर बाद में आपसे यही पूछना चाहती हूं कि आज के दिन कोई बड़ी योजना है जो इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने शुरुआत की है? कोई नहीं है। अभी एक कनाल अपने भरतपुर वाले, हाँ, अभी वो कनाल जो भरतपुर के चारों ओर बना रहे हैं,
वो चारों ओर बनाने का, आप देख लीजिए जितनी चौड़ाई उस कैनाल की थी, आज उस कैनाल को कम चौड़ाई में काम करके उसको खत्म करना चाहते हैं। और उसकी गंदगी जो निकली है, जो अस्पताल के पीछे ढेरों ढेर खड़ा करके रख दिया है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, जिसकी बदबू शहर में फैल रही है, ये तो काम हो रहा है, ये काम है, और इसके ऊपर हम लोग उनको वोट देंगे क्या? क्या सोच सकते हो? मुफ्त इलाज की बात करके चिरंजीव योजना टोटल फेल, वो आपने देखा हुआ है। अब मैं आपको ये भैया हूं, हां राजस्थान में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, महंगाई सबसे पहले ऊंचाई के ऊपर है, बिजली की दर कहां से कहां बढ़ गई, आपको फ्री दे दिया है, परंतु फिर भी मैं बताती हूं कि वो ये अशोक गहलोत का काम है। फ्री कहते हैं परंतु बिजली फ्री नहीं है भाई, जिधर देखो अराजकता है, और हर वर्ग सड़क पे उतर के आ गया है। नतीजा ये हो गया है कि लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, हमारे युवा रीट के परीक्षा के अंदर पूरी तरह से मारे गए हैं, आज ना उनका पैसा उनको वापस दिया गया है और ना कोई उनको नतीजा आया है, ये तो बच्चों की हालत है। मोदी जी के काम हमारी पूर्ववर्ती सरकार के साथ अगर हम लोगों ने मिला के दोनों काम कर दिए, तो मोदी जी की झोली में सबसे पहले तो हम लोगों को राज्य सरकार की चुनाव जिता के देने हैं, और उसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि ये पार्टी वो पार्टी है जो राजनीतिक दल है, दिल जीतने के लिए निकली है, खाली बात करने से नहीं काम होता, दिल जीतकर जमीन के ऊपर काम करने का काम हम लोगों ने उसका बीड़ा उठाया है, और ये पार्टी उसको करके जाएगी। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि यहां एक एक व्यक्ति जो है वो ये संकल्प लेके जाएगा कि यहां से जाएगा, वो गांव में लोगों को बताएगा, अपने बूथों में बात करेगा, और इस क्षेत्र के अंदर आप जो कैंडिडेट दोगे उसको जिता के वापस आपके झोले में डालने का वो काम करेगा, ये संकल्प लेके सब लोग यहां से जाएंगे। और इसलिए दोनों जन हाथ ऊपर करके एक मेरा नारा देना, गिरिराज महाराज की जय, जय राजस्थान। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, और मेरा विश्वास है कि इस संकल्प पे आप पूरी तरह से खरा उतरोगे। धन्यवाद।